भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर भी 19 अप्रैल को मतदान होगा। चार धाम का प्रवेश द्वार ऋषिकेश 2 लोकसभाओं से घिरा हुआ है, जिसमें हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा शामिल हैं। ऐसे में सहारा समय संवाददाता जितेंद्र चमोली ने हरिद्वार लोकसभा के ऋषिकेश विधानसभा में जनता से बातचीत की और जाना लोकसभा चुनाव में जनता किन मुद्दों पर मतदान करेगी और किन मुद्दों पर वो अपने प्रतिनिधि तय करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत के 18वें लोकसभा चुनाव का बिगल बज चुका है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का चुनाव जो है 19 अप्रैल को किया जाएगा। उत्तराखंड में ये प्रवेश द्वार है और ये ऋषिकेश जो है इसमें 2 लोकसभा यहाँ पर आती है, पहली पौड़ी और दूसरी जो है हरिद्वार लोकसभा है। इस वक्त हम ऋषिकेश विधानसभा में हैं। इस बार जो चुनाव है उसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं जनता के बीच जानते हैं। सारा समय की टीम इस समय त्रिवेणी घाट में और जनता से जीते कि किस तरह के मुद्दे और किस तरह के प्रत्याशी ये चुने जाएंगे। हमारे बीच एक प्रत्याशी जनता है, उससे पूछते हैं कि किस तरह का मुद्दा रहने वाला है इस बार चुनाव में, कैसे प्रत्याशी आप चुनने वाले हैं? मैं तो जो विकास करेगा, खास करके हमारे ऋषिकेश का, दूसरे की जगह छोड़ दो, जो हमारे ऋषिकेश का बहुत सुंदर विकास करे, ये तीर्थ नगरी है, जो यहाँ का विकास करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। कोई सी पार्टी हो, हम पार्टी से कोई लेन देन नहीं हमारा, लेकिन जो यहाँ का विकास करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। स्थानीय मुद्दे क्या है, आप किस मुद्दों पर लेकर आप? स्थानीय मुद्दे सबसे बड़ी पहली तो ये है कि यहाँ एक तरह से जैसे कहते हैं पार्किंग की बड़ी समस्या, सब गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की भी आई, बीजेपी की आई, लेकिन किसी ने इस समस्या का समाधान नहीं किया। मेन मुद्दा तो यह है। दूसरी एक हमारी जो यहाँ सफाई की व्यवस्था है बिल्कुल एक तरह से चरमाई हुई है। आप खुद ही देखो, किसी भी नाले को देख लो, यानी कि कोई सफाई का नाम पर पैसे खूब खा रहे जा रहे हैं, दबा कर खाए जा रहे हैं, लेकिन सफाई की नाम की कोई चीज नहीं है। एक बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई यहाँ पर लाइब्रेरी का हिसाब किताब कुछ इस तरह से नहीं है, कोई इस तरह ध्यान नहीं देता। तो ये मुद्दे तो रहने रहने, हम तो जो विकास करेगा हम उसको वोट देंगे। हमारे साथ एक और हैं जिन्होंने कई अवैध निर्माण को लेकर लड़ाई लड़ी है, आरटीआई कार्यकर्ता हैं, जनहित में कई काम करते रहते हैं, आज भी करते हैं। उनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव हो रहा है, देश के 18वीं लोकसभा चुनाव लोग जनता चुनने जा रही है, इस तरह क्या मुद्दे ऋषिकेश के हैं कि जो आप अपने प्रत्याशी को वोट देंगे? ऋषिकेश में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, परंतु हमारा दुर्भाग्य रहा कि आज तक ऋषिकेश विधानसभा में जो भी प्रत्याशी निर्वाचित होकर आए उन्होंने कभी भी ऋषिकेश की ओर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि ऋषिकेश में आज पार्किंग, अतिक्रमण, अवैध कब्जे, अवैध निर्माण, इस तरह की बहुत समस्याएं हैं। परंतु आज का लोकसभा चुनाव जो है वो मुद्दों से हटकर व्यक्ति पर केंद्रित हो गया है। अब मुद्दे गौण हो गए हैं, व्यक्ति प्रधान चुनाव होने लगा है, जिस कारण जनता के मुद्दे जो है लोकसभा चुनाव में दब जाते हैं। किस तरह के मुद्दे आप चाह रहे हैं कि ऋषिकेश का विकास होना चाहिए, लोकसभा की संसद में यहाँ का मुद्दा उठाया जाना? जैसे कि हम आईडीपीएल की बात करेंगे, आईडीपीएल एक बहुत बड़ा उद्योग हुआ करता था, आज वो बंद होने की कगार पे, किसी भी माननीय ने उस मुद्दे को लोकसभा में ठीक से पैरवी नहीं करी है। उसका कारण जो है वोट बैंक की राजनीति रहा है और आईडीपीएल बंद होने के कारण जो है इसके हमारी स्थानीय जो विधायक, मंत्री, नेता जो भी रहे हैं, इन्होंने कभी भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। किसी समय ऋषिकेश बाजार का एक आकर्षण आईडीपीएल हुआ करता था, जब वहां 1 तारीख को सैलरी बढ़ती थी तो लगभग 10,000 कर्मचारी जब बाजार में शॉपिंग करने आता था तो ऋषिकेश का व्यापार आईडीपीएल पर केंद्रित था। परंतु आज आईडीपीएल बंद हो चुका है, होने के कगार पर नहीं है, बंद हो चुका है और अंदर खाने उस भूमि को किसी अन्य व्यावसायिक समुदाय को दिया भी जा चुका है। सरकार बहुत प्रयास कर रही है आईडीपीएल को खाली कराने का, जबकि ऋषिकेश के हित में यह था कि राजनीतिक भेदभाव को दूर रखते हुए सभी नेताओं को एक मुद्दे पर आकर इस आईडीपीएल जैसी संस्था को बचाना चाहिए था, जो विश्व स्तर की संस्था हमारे ऋषिकेश में थी, जो प्राय लुप्त हो गई है। हमारे साथ एक और है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। काफी बुजुर्ग है और कई जगह की यात्राएं ये करते रहते हैं समय समय, कई बार ये केदारनाथ अपनी मोटरसाइकिल से और यहाँ तक कि लेह लद्दाख भी अपनी मोटर से जा चुके हैं। इस समय 18वां लोकसभा चुनाव हो रहा है और ऋषिकेश विधानसभा जो हरिद्वार में आती है, तमाम मुद्दे यहाँ पर अभी भी हैं जो जिन पर लोग विकास की बात करते हैं कि विकास होना चाहिए, लेकिन आज वो विकास नहीं हो रहा। किन मुद्दों पर आप इस बार सरकार चुनने जा रहे हैं? सरकार, पहले तो मैं जो देश की
स्वाधीनता करूँ, शिक्षा करूँ, तो देश को मजबूत बना के उसके लिए मैं वोट करना चाहूँगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं ऋषिकेश की बात करूँगा, ऋषिकेश में अतिक्रमण, अवैध निर्माण और सबसे बड़ी बात है विकास प्राधिकरण। पहले विकास प्राधिकरण कहता है कि मैं इसे सीज कर रहा हूँ, दोबारे कहता है मैं इसे तोड़ रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद देखता हूँ कि वहाँ पर निर्माण भी हो गया और वहाँ पर लोग रहने भी लग गए। तो सबसे पहले या तो ये विकास प्राधिकरण डिपार्टमेंट बंद कर दिया जाए और अन्यथा इन जो अधिकारी हैं इन पर नकेल कसी जाए। जो आपके लोकसभा प्रत्याशी खड़े हो रखे हैं उनसे क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो ऋषिकेश को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, सबसे बड़ी मांग है ऋषिकेश में जो अतिक्रमण हो रखा है इसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। बिल्कुल, अतिक्रमण की मांग है कि ऋषिकेश को अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, होना भी चाहिए क्योंकि देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक आते हैं और अतिक्रमण देख के कहीं ना कहीं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ 20 SBI के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस मुद्दे पर ये इस बार अपने लोकसभा चुनाव प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव, जो हमारे लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें एक विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश आता है। ऋषिकेश, पर्टिकुलरली हम ऋषिकेश में रहते हैं तो ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात करें तो पिछले जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ से निर्वाचित हुए हैं उन्होंने यहाँ की मूल समस्या, जो यात्री यहाँ पे आता है उसको एक प्रॉपर पार्किंग नहीं मिलती है, यहाँ के युवाओं के लिए कोई एजुकेशन से संबंधित कोई एक पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, और जो ये 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 निश्चित है कि जो गंगा आपकी पहाड़ से मैदान की ओर प्रवाहित हो रही है, एक रिवर्स गंगा मैदान से पहाड़ की ओर प्रवाहित हो रही है, वो हमारे टूरिज्म फ्लो की तरफ से जा रही है। इतना रेवेन्यू आ सकता है यदि हम उन टूरिस्ट को यदि सुविधाएं नहीं देंगे तो हमारा यहाँ पे उसका रोजगार का जो एक बहुत बड़ा साधन है हमारा ये टूरिज्म, उस पर यदि सुविधाएं ऐसी नहीं देंगे, विकास नहीं करेंगे और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक क्षेत्र के विकास में ये व्यवधान पैदा होगा। तो हमारा एक ही मुद्दा है, आने वाले समय में चाहे जो भी कोई पार्टी हो जिसको हो, लेकिन जो विकास के लिए एक स्पष्ट अपना विजन लेके सामने आया हुआ है उसको जरूर वोट करिएगा। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे जानते हैं कि देश में 2018 लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार लोकसभा के ऋषिकेश विधानसभा में, चुनाव होने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर अपने प्रत्याशी को आप चुनेंगे, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए इस चुनाव? देखो, वैसे लोकसभा के जो चुनाव होते हैं इस पर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे ज़्यादा देखे जाते हैं, लेकिन जब हम अपना स्थानीय सांसद चुनते हैं तो उसमें काफ़ी उसमें हम अपने स्थानीय मुद्दों को भी देखते हैं। जैसा हम अगर ऋषिकेश की बात करें तो 2-3 मुद्दे ऐसे हैं कि जिसपे मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी लोग इस मुद्दों को लेकर बात करेंगे, इन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। उनमें से सबसे बड़ा पहला मुद्दा मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहला जो मुद्दा है हमारा जो श्यामपुर फाटक रेलवे फाटक है, वहाँ पर जो रेलवे फाटक है वहाँ पर सड़क चौड़ीकरण का काफ़ी लंबे समय से प्रस्ताव, और वो श्यामपुर फाटक न बनने की वजह से यहाँ अक्सर पूरा शहर ऋषिकेश शहर जाम की समस्या से जूझता है, जिस जाम की समस्या से स्थानीय लोगों के साथ साथ जो बाहर से तीर्थयात्री आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनको भी दिक्कतें होती है। एक ऋषिकेश हमारा बहुत खूबसूरत शहर है, इसको हम अध्यात्म से जोड़ सकते हैं, इसको हम पर्यटन से जोड़ सकते हैं, और यहाँ साहसिक जो खेल गतिविधियाँ एडवेंचर हैं वो बहुत अच्छी होती है। तो बहुत बड़ी तादाद में देश विदेशों से यहाँ लोग आते हैं, अच्छी छवि लेकर के आते हैं, लेकिन जब वो जाम से जूझते हैं, उनको जाम में कई घंटों खड़े रहने पड़ता है, तो उससे जो इस शहर की छवि भी नकारात्मक उनके पर बनती है, वो छवि को बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे जो लोग यहाँ के स्थानीय लोग उसको बुरा लगता है कि भाई हमारे शहर की छवि एकमात्र जाम की वजह से नकारात्मक हो रही है। तो ये जो श्यामपुर फाटक जो रहेगा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। इसके अलावा और कई मुद्दे हैं, अभी मुझे लगता है कि एक जैसे ये यहाँ जहाँ हम त्रिवेणी घाट पे हैं, त्रिवेणी घाट से लेकर के नीलकंठ तक एक रोपवे बनना था, जो नीलकंठ की जो यात्रा है उसको बहुत सुगम बनाता था, लेकिन वो नीलकंठ की जो रोपवे जो परियोजना है वो भी लटकी हुई है। और सबसे बड़ी दिक्कत मैं कहूँगा इस ऋषिकेश की जो है वो है पार्किंग ना होना। इस ऋषिकेश में जाम का एक सबसे बड़ा कारण पार्किंग भी है, और ये जाम मैं पहले भी कह चुका कि ये जाम ऋषिकेश, इस बेहतरीन इस खूबसूरत शहर ऋषिकेश की छवि को अगर कोई बर्बाद कर रहा है, कोई खंडित कर रहा है, तो ये जाम है। और जाम के तौर पर वो कारण नहीं है, एक तो यहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है, और एक श्यामपुर जो रेलवे फाटक की हम बात कर रहे हैं, तो ये श्यामपुर जो पार्किंग है बहुउद्देशीय पार्किंग नगर निगम की ओर से नगर निगम परिसर में बनाई जानी थी, और बहुत पहले इसका शायद प्रस्ताव भी पारित हो चुका था, इसका शिलान्यास भी हो चुका है, लेकिन शिलान्यास से आगे ये कार्रवाई नहीं बढ़ पाई, तो इसको लेकर के लोगों में खासा आक्रोश है। तो ये दो चीजें हैं, दो मुद्दे हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे इस ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा हरिद्वार की सीट को, और ये प्रमुखता से लोग इन पे नजर भी रखेंगे। तो मुझे लगता है कि जो हैं वो भी इन बातों को ध्यान रखेंगे कि हमें इन मुद्दों की भी बात करनी चाहिए, ये स्थानीय मुद्दों की बात है। हमारे बीच एक और है जिनसे जानने कहते हैं कि लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, 19 अप्रैल को यहाँ पर पहले चरण में मतदान होगा,
लोकसभा हरिद्वार में आप कैसे प्रत्याशी को वोट देंगे, क्या क्या आपकी उम्मीद है? देखिए, लोकसभा चुनाव जो होते हैं वो अन्य चुनाव से बिल्कुल अलग होते हैं। इनमें सबसे अहम मुद्दे होने चाहिए सड़क, जो बेसिक होते हैं सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। आप अगर ऋषिकेश विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर बहुत एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान एम्स भी है, लेकिन एम्स जो है वो बड़े बीमारियों के लिए, बड़े लाइलाज बीमारियों का वो इलाज करता है और कई उन्होंने ऐसा संभव भी किया। लेकिन अगर हम बात करें सरकारी चिकित्सालय की, तो वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नाक के बराबर है, चिकित्सक भी नहीं है और जो बेसिक जो चिकित्सीय उपकरण वगैरह होते हैं वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। और बात करते हैं हम अगर इस हरिद्वार विधानसभा चुनाव की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा बीन नदी का पुल। जो बीन नदी का पुल वहाँ के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि वो पुल बनना चाहिए जो हरिद्वार और ऋषिकेश को जोड़ता है, और बरसात के दिनों में वो टूट जाता है, जिसके कारण जो यात्री तीर्थ यात्री आते हैं वो बैराज के रास्ते आते हैं, लेकिन बैराज का रास्ता बंद होने के कारण उनको 4550 किलोमीटर का वो रन घूम के आना पड़ता है। तो ये भी लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दा हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को देखना चाहिए। और ये भी देखने को मिलता है लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी होते हैं वो दिल्ली के ही वासी रह के हो जाते हैं, अगर जो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं उनसे वो बेखबर रहते हैं और दिल्ली की दौड़ में ज़्यादा मशगूल रहते हैं। हालांकि जो हरिद्वार के प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र जी और निर्दलीय प्रत्याशी हो गए, चाहे वीरेंद्र रावत जी हो गए, तो ये सभी लोग पहले से जुड़े हैं, लेकिन जनता से जुड़ना एक अहम चीज़ होती है चुनाव में। एक बड़ा संस्थान यहाँ पर आईडी पर हुआ करता था, आप आज वो बंद हो चुका है, कई लोगों को रोजगार मिलता है, पलायन हो रहा है, इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? जी, राज्य स्तर, ये जो आईडीपीएल जैसे संस्थान है ये राज्य स्तर के नहीं है, ये केंद्रीय स्तर पे इनका समझौता होना और इनके लिए निर्णय लेना ये अहम है। अगर कोई सांसद, इतना बड़ा संस्थान जो आपके संसदीय क्षेत्र में है, विधानसभा क्षेत्र में, उनके लिए अगर कोई आवाज उठाता तो अच्छी बात है। इससे नए युवाओं को रोजगार मिलता और जो पुराने भी चले आ रहे हैं, और खासकर यह है कि दवा भी यहीं बनती है, एम्स जैसे संस्थान भी है, तो इससे बहुत लाभ मिलता है। लेकिन कोई भी जो प्रत्याशी हैं या जो भी अब तक भी जो जीत गए हैं, उन्होंने कभी इसकी आवाज नहीं उठाई। ऋषिकेश को चार धाम का प्रवेश द्वार कहा जाता है, सड़कें के ना होने के कारण यहाँ पे लंबा जाम लगा रहता है, अभी तक सड़कें चौड़ी नहीं हुई, इस बारे में सड़कें चौड़ी होना, देखिए जो इच्छा शक्ति होती है ना वो प्रबल होनी चाहिए, लेकिन नेताओं की इच्छा शक्ति नहीं है, उन्होंने केवल वोट मांगने के लिए आना है, वोट लेके जीतना है और जीतने के बाद अपनी दिल्ली की दौड़ में मशगूल हो जाना है और लाल बत्ती की गाड़ी में घूमना है। इस समय आप जो कैसे प्रत्याशी, किन मुद्दों पर प्रत्याशी? देखिए, मैं प्रत्याशी वो चुनना चाहूंगा कि जो गरीबी तबके, जो निचले तबके के उनकी सुविधाओं को और उनके बेहतर कर सके और उनको सुविधाएं अच्छी से अच्छी मुहैया कर सके। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के बिजली पानी तो ऊर्जा प्रदेश है, हालांकि यहाँ सब कुछ सही है, लेकिन सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। हमारे बीच एक और शख्स है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं, कि कैसा विकास हो, क्या क्या आप जो अपने प्रत्याशी से उम्मीद है? हमारे ऋषिकेश जो क्षेत्र है ये हरिद्वार लोकसभा में आता है, और यहाँ पर एक तो हम जाम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारा क्षेत्र पूरा ही ना, तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं जो कि इस समय उस विभाग के मंत्री भी हैं, और उनके अपने घर के पास ही अवैध निर्माण बहुत है, तो और जगह का तो क्या वो कराएंगे, और लोकसभा वाले तो कभी दर्शन भी नहीं देते यहाँ आके। तो मैं नहीं समझता कोई प्रत्याशी ने आज तक किसी तरह से काम किया हो हमारे क्षेत्र के लिए। हम पीछे जा रहे हैं, हमारा ऋषिकेश पूरी तरह से पीछा जा रहा है, यहाँ पर जाम से निजात दिला सकते हैं तो कुछ समझेंगे हम कि ये लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ही ऋषिकेश एक चार धाम का प्रवेश द्वार है और देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक आते हैं, और जो मेन समस्या है जाम की और पार्किंग की, जो स्थानीय मुद्दा है रहने वाला है, जो यहाँ के लोगों का कहना है कि स्थानीय मुद्दे में पार्किंग को और लाइब्रेरी को, उच्च शिक्षा को रखा जाए, इन मुद्दों को लेकर ये अपना वोट का मत का प्रयोग करेंगे। सारा समय के लिए ऋषिकेश से जितेंद्र चमोली।